वेलकम टू माय चैनल सोल्जर कबूतर में आप सभी का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है फैजल खान, आप देख रहे हो सोल्जर कबूतर चैनल को। तो आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नखास मार्केट की नई वीडियो लेकर आ गया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देखना। इसमें दिखाए गए कबूतर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो बाज़ार में मुझे ज़्यादा पसंद आए उन्हीं कबूतरों की वीडियो बनाई गई है। तो इसमें ज़्यादा कबूतर हमने नहीं दिखाए हैं, लेकिन जो कबूतर अच्छे थे, जो अच्छी क्वालिटी के थे, उन्हीं को हमने दिखाया है। तो आप लोग अपना राय बताना कि कमेंट सेक्शन में कि किस तरह के कबूतर आप लोगों को दिखाए गए हैं। बाकी इस तरफ कुछ दाना बेच रहे हैं लोग, और यहाँ सामने मार्केट लगी हुई है। मार्केट आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भरी हुई मार्केट लगी है, और कबूतर भी सस्ते आए हैं, महंगे भी आए हैं। तो जिस क्वालिटी का आप कबूतर पसंद करोगे, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और ये मार्केट जो लगती है, वो इस तरफ आप देख सकते हो इमामबाड़ा है। तो इमामबाड़े के पीछे नींबू पार्क के पास में लगती है ये मार्केट, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता। तो इमामबाड़ा नींबू पार्क के पास में ये नखास मार्केट लगती है। ये वाले बताओ, ये दोनों ले लगा नर है दोनों, जो है लेकिन अलग अलग के है भैया, लगे हुए ना है झूठ। थोड़ा नीचे करो, एक साहब अभी एक का भगा देना तो 1500 झेले। पंजे दिखाओ, वो वाला भी दिखा दो। 1500 भगा दो। ये नर छपा हुआ है, मादा खुले बदन की सो दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को नखास मार्केट में लाल अंबसरे दिखाए हैं, तो ये कबूतर मुझे पसंद आए थे और सौदा भी अच्छे रेट में हो गया था। ये कबूतर हम लेकर घर चले आए थे। इसमें दो कबूतर थे, दोनों लाल अंबसरे थे। एक गहरा छपा हुआ जालदार अंबसरा था, और एक गर्दन से भरा हुआ लाल अंबसरा ललसिरों में था। लेकिन उसने बताया था कि जोड़ है, लगा नहीं है, लेकिन नर मादा है। नर है दोनों, जोड़ है लेकिन अलग अलग के है भैया, लगे हुए ना है झूठ। झूठ भी इतनी प्यार से बोलो कि सच शर्मा जाए। हमने जब अंकल से कहा कि ये दोनों नर ही नर हैं, तो उन्होंने कहा जोड़ है भैया, लेकिन लगा हुआ जोड़ नहीं है। देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, और सरासर झूठ बोल रहे थे। नखास मार्केट में जो भी चीज आप खरीदो, तो बहुत ही सोच समझ के खरीदो। मेरे साथ में जब स्कैम हो सकता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। मेरा बताने का मकसद यही है कि भाई, जो भी चीज लो, तो उसके कहने पर न लो। जो तुमको लग रहा हो कि हाँ ये नर है या मादा है, उस चीज पर लो। यहाँ पर अंकल को हम गलत भी नहीं कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि भाई बेचने वाला हर एक जुगाड़ करता है, अपना हर एक चीज अपनाता है कि हमारे कबूतर सेल हो जाएं, अच्छे पैसों में सेल हो जाएं। वो कबूतर ही नहीं, चाहे कोई भी फील्ड में काम कर रहा हो, सामने वाले को खुद सोच समझ कर लेना चाहिए। तो गलत इसमें हम किसी को नहीं कह रहे हैं, बस आप लोग अपनी राय देना कि नखास मार्केट में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, या फिर अगर ऐसा हो तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, बताना मुझे। ये काला कबूतर है, ये कौन चीज से निकला है अभिजान? हरे शाहजहांपुरियों से निकला है। हाँ, आप लोग क्वालिटी देखो, काली पलक, गहरी आंख है एकदम। पर पंजे दिखाओ, ऐसे बांधा तो ये पंजे जामनी पंजों में है हल्के से। ठीक है भाई, इनके पास मिल गई है। हाँ, अगर लेना चाहिए तो। कितने रुपए का है? 600 रुपए। 600 रुपए का? और वो वाला कलंच दिखाओ, 200 रुपए।
200 रुपए कलंज निसौरा है। आग देखें चर्ची आते न पर बंदे हैं इसके भी। ये उड़ान कर चुका है आपके वहाँ? 4 से 5 घंटा उड़ा है। कहूँ सामने से दिखा पूरा किस तरह उम्र है भैया जी? नर माता दोनों है। ये नर है आपके पास? नर ₹800 ना नर्मदा दोनों। चलो ठीक है। जबरदस्त आ मक्को कल चूचा है ना? वाला है छूते ही पैदा लेते ही आराम। पलक काली नहीं है वरना बहुत अच्छा कबूतर माना जाता है। पंजे दिखाइए थोड़े बढ़ाए दे। माता है ना? कितने बताओ? 100 रुपया दो इनको। 100 रुपया दो हटाओ। अरे तुम 100 रुपया दो यार। जब बताओ खत्म। 100 रुपया दे दो। जबरदस्त बहुत बढ़िया कबूतर। ये ले लिया। हाँ ये ले लिया। सब बता दो यानी अपना नहीं बता रहे पड़े 12-15 रुपए के ऊपर नर। देखो तुम समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा। देख चुके हैं ये लाल दुम वाले। लाल दुम वाले तो बता रहे हैं 4,000, वो इतने काबिल नहीं है। ये पहले 700 रुपए की मादा बेच रहा था लेकिन वो पक्की मादा थी। ये ना यार बहुत पसंद है लेकिन प्राइस ज्यादा है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप वीडियो देखें सबसे पहले। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका प्यारा दोस्त फैजल खान।